विल शो यू सम मीम्स फ्रॉम द डीबीटीवी चैनल जो कि न्यूजीलैंड के मैच के बाद हमने लगाई थी. एंड यू टेल अस व्हिच वन इज योर फेवरेट. यू कैन स्वाइप राइट. Brigadier Haris Rauf, security clearance officer. Nice. Shoaib Malik to himself before hitting that six. एक छक्के में छह सिंगल होते हैं ना. अच्छा ठीक है. न्यूजीलैंड टीम गेट्स थ्री सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स अहेड ऑफ मैच विद पाकिस्तान. गुड. थ्रेट नंबर वन बाबर आजम. गुड. थ्रेट नंबर टू. थ्रेट नंबर थ्री शाहीन आफरीदी. कितने आदमी थे. गुड वन. ये तो अच्छा. हाउ मेनी मैन दिस टाइम. पांच. बट टू यू हैड ओनली. आप भागो ना वैसे जितना तेज टूर से पहले भागे थे. ठीक है. वेरी नाइस रिएक्शन ऑफ पाकिस्तान विन अगेंस्ट द 135 में तो पेट्रोल. मुझे दिस वाज माय फेवरेट. एक्चुअली दिस वाज वेरी फनी. ये बहुत अच्छा क्योंकि वो आपकी अपनी उसके ऊपर भी है कि यार 135 से तो पेट्रोल भी नहीं मिलता. तो वो इट वाज वेरी फनी. जिसने भी ये सोचा. इसका नाम भी हमजा वैसे बाय द वे. गुड यार. हमजा हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. अच्छा जी आगे कौन सी है. पाकिस्तान टुक न्यूजीलैंड दिस क्लोज एंड टुक इट अवे सो दैट दे कैन फील व्हाट इट फेल्ट लाइक व्हेन दे केम एंड लेफ्ट विदाउट प्लेइंग. गुड वन. वी नीड मेंटल सिक्योरिटी एज वेल न्यूजीलैंड टीम. ये भी अच्छा. Good. I think ये petrol वाला is the best. हाँ, it was very funny. हाँ. Because it hit a chord with all of us. हाँ. यानी वो मैंने पहले भी बहुत enjoy किया था. वो अच्छा है. Do you still keep yourself updated with the places जहाँ आपकी posting हुई थी कि आप पता करते हो कि आप वहाँ क्या चल रहा है और how is it? एक तो वहाँ पे relationship आपकी develop हो जाती है. वहाँ के लोग खुद भी आपसे बहुत ज़्यादा रابطہ करते हैं. अगर आपने वहाँ पे इंसानों की तरह काम किया हो. अगर जानवरों की तरह काम किया फिर तो लोग गालियाँ देते हैं आपको कि यार ये बड़ा ही घटिया करप्ट अफसर आया था. तो मुझे तो लाड़काना के लोग भी बहुत याद करते हैं और मैं भी उनसे रابطہ रखता हूँ. फिर ऑफ एंड ऑन लाड़काना में जो मेरी पोस्ट पे कोई ऑफिसर आए तो मैं उससे पूछता हूँ कि यार क्या हालात हैं. फलां का क्या बना. फलां प्रोजेक्ट का क्या बना. थोड़ा बहुत जस्ट फॉर कोई कंपलसरी तो नहीं होता. एक नॉस्टैल्जिया ही होता है. थोड़ा सा एसोसिएशन होती हैं जो आपकी डेवलप हो जाती हैं. और सिंध ऐसी जगह थी कि वहाँ पर पीपल आर वेरी नाइस. इंटीरियर सिंध के लोग दे आर वेरी सिंपल. दे आर वेरी हम्बल एंड दे लव यू लाइक एनीथिंग. तो आई हैड अ वंडरफुल टाइम देयर. बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा. गोटकी में भी और इस तरह सखर में भी. बहुत ही अच्छा. बहुत अच्छे लोग थे. बहुत कल्चरली रिच जगहें भी हैं. कल्चरली रिच थे. सूफी कल्चर बहुत ज़्यादा है. टॉलरेंट है बहुत सोसाइटी. मैं जब रोड़ी गया तो वहाँ पर उन्होंने बताया छोटी सी तहसील थी वैसे तो मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर तहसील्स ऑफ पंजाब. तो उन्होंने जो पहली दिन मेरी ब्रीफिंग थी तो मुख्तार कर ने मुझे बताया कि सर यहाँ पे 40,000 दरगाहें हैं. तो मैंने कहा यार 40,000 दरगाहें ये तो क्या फ्रॉड ही होगा. तो उसने कहा नहीं सर एक एक बड़ी. उसने सीरियस होकर कहा सर ये हर एक सच्ची दरगाह है. और फिर आए मैं बड़ा आई वॉज टेकन अ बैक. लेकिन फिर मैंने कहा यार इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है. तो फिर आई वेंट ऑन अ जर्नी टू विजिट ऑल श्राइन्स इन रोड़ी. और फिर वहाँ पर थोड़ी इंप्रूवमेंट कराना. लोगों की एसोसिएशन हैं. कल्चर है. फैमिलीज वहाँ पर इन्वॉल्व हैं. हर किसी की अपनी एक अलहदा स्टोरी है. तो वो बड़ी बड़ा जबरदस्त टाइम था मेरा. दैट्स गुड. व्हाट वाज योर बिगेस्ट व्हाट इज योर बिगेस्ट चैलेंज एज डीसी इस्लामाबाद. यार इधर तो हर एक पहाड़ क्या कहते हैं वो एक दरिया को पार करने के बाद एक नए दरिया का सामना था. यहाँ एक पहाड़ को पार करने के बाद नए पहाड़. हर रोज एक नया चैलेंज. हैव यू हर्ड ऑफ मिथ ऑफ सिसिफस. आई थिंक ग्रीक मिथोलॉजी है. उसमें एक बंदा था. आई डोंट नो एज पनिशमेंट उसने कोई हरकत की थी. तो एज पनिशमेंट ना उसको वो जो एक बोल्डर दिया था बहुत बड़ा कि ही वुड पुश इट टू द टॉप ऑफ द माउंटेन. एंड आई फील लाइक एवरी टाइम ही पुशेज इट वो माउंटेन ख़त्म होकर वो फिर नीचे आता है. फिर एक और माउंटेन आ जाता है. तो देयर द मिथोलॉजी इज कि वो बस फॉर इटर्निटी ऐसे चल रहा है. डू यू रिलेट. आई थिंक आई रिलेट टू इट. कि मैंने अब जैसे अभी ये जो प्रोटेस्ट है ये इतना बड़ा चैलेंज है. सिटी को भी खुला रखना है. बिजनेस भी चलाना है. अब देखें आज अगर सड़कें बंद हो जाती हैं तो हमारी मंडियों सब्जी मंडी है फ्रूट मंडी है उसके अंदर पेरिशेबल आइटम्स आते हैं. उनको एक दिन के लिए आप बंद नहीं कर सकते. किसी का टमाटर का ट्रक आ रहा है 70 लाख रुपये का. उसको आप एक दिन के लिए ट्रक खड़ा कर दें उसका 70 लाख का सामान ज़ाया हो जाएगा. ही विल डाई और ही विल किल अदर पीपल. कितना बड़ा उसको लेके भी आना है. जब लेके आना है तो कुछ रास्ते खुले भी रखने पड़ने हैं. पेट्रोल कैसे चल रहा होगा. लोग बच्चों ने स्कूल जाना है. स्कूल जाके फंस ना जाएं. अब ये इतना बड़ा चैलेंज है. फिर इसमें यह है कि कोई बम ना फाड़ दे. लाखों लोग जमा है. एक पटाखा आपने फाड़ना है कुछ हो सकता है. फिर आपने देखा है कुछ लोग शहीद हो रहे हैं. तो ये इट इज़ सो मेंटली. और कई चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती. तो इतना एग्जॉस्ट कर देता है. इतना स्ट्रेसफुल होता है. तो ये हर प्रोटेस्ट जो होता है ये हमारे लिए बड़ा बड़ा ही डेंजरस होता है.
फिर इन प्रोटेस्ट में अनफॉर्चुनेट बात ये होती है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई डेथ हो जाए तो उसका पर्चा तो ऑफिसर्स पे होता है कि जी इनकी नाअहली की वजह से, हालांकि इनके कंट्रोल में क्या चीज़ें होती हैं। तो वो हमारे लिए और इससे पहले रबीउल अव्वल की भी जो अरेंजमेंट थी हमारे लिए बड़ा मुश्किल था कि पूरे शहर को हमने सजाना है, ख़र्चा भी कम करवाना है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा केक भी बनाना है लेकिन उसमें हुकूमत का बजट भी नहीं लगाना, ट्रीज भी लगाने हैं लेकिन वॉलंटियर से लगाने हैं। केक के पैसे किसने दिए थे? लोगों ने दिए। हाँ, बड़े लोग हैं, उनकी अकीदत है, लोगों की बहुत अकीदत है। तो बल्कि मतलब ज़्यादा पैसे हो गए हमारे पास तो हमने वापस किए उनको, तो वो हमने गवर्नमेंट फंड उसमें इस्तेमाल नहीं किया। और इट इज़ जस्ट एन एग्जीबिशन ऑफ योर लव फॉर द प्रॉफिट। लोग कहते हैं जी बिदत है, फलां है, यार बात ये है कि आप अपने बच्चे की सालगिरह कर रहे हैं वो बिदत नहीं है। आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं वो आपको तब तो कोई एहसास नहीं होता। तो अगर आप एक नेक मकसद के लिए एक शो ही है ना, इसमें कौन सा ऐसी कोई बात है? आई मीन आई फील लाइक वी कॉल इट ईद बट देन इफ वी सेलिब्रेट इट एज ईद तो फिर मसला है। हां, कि आप खुशी भी नहीं मनानी। हां, तो या आई वाज एक्चुअली वेरी हैप्पी कि ये हुआ है क्योंकि आई थ्रू आउट माई लाइफ आई डिड फील लाइक कि हम थोड़ा इस ईद को ना अंडर प्ले करते थे, इस हद तक सेलिब्रेट नहीं करते। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी ऑल द अरेंजमेंट्स एंड एवरी थिंग, एंड कवालियाँ भी हुई थी, काफी कुछ हुआ था। डी चौक पे कवाली कराई, इतना जबरदस्त। अब लेकिन वो सिक्योरिटी थ्रेट भी था, बंदे भी इकट्ठे करने थे, मौसम भी अच्छा होना चाहिए, बारिश भी नहीं होनी चाहिए, पीछे लाइटिंग भी आनी चाहिए, उसमें इतने सारे चीज़ें थी। लेकिन माई इस इज़ अ वेरी गुड, आपने सिर्फ एक का इंटरव्यू किया, रेस्ट ऑफ देम आर ऑल्सो वेरी गुड, एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, कॉम्पिटेंट, ऑनेस्ट। They are working 24 hours and they are doing it, you know, with self-motivated. ये नहीं कि मैं इनको कोई ज़बरदस्ती करा रहा हूँ। तो वो अच्छी टीम बन जाए तो फिर अच्छा काम होता है। और हमने 24 आवर्स में, हमें मतलब थर्सडे को कहा गया और फ्राइडे को पूरा शहर हमने सजाया हुआ था। हमारे जो बॉस हैं, चेयरमैन CDA इज वर्कहोलिक, 24 आवर्स ही इज़ वर्किंग। तो एक्चुअली द मैन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस इज चेयरमैन CDA, चीफ कमिश्नर। हम लोग तो सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, पता चल जाता है लोगों का, तो वो सोशल मीडिया पर नहीं आते इतना, लेकिन ही इज द मैन हु इज यू नो मेकिंग थिंग्स गो अराउंड इन इस्लामाबाद। ओके सर, व्हाट आर सम ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस ऑन सिविल सर्वेंट्स, मेजर वंस, एंड दैट कैन कॉस्ट देम देयर करियर और हैज कॉस्ट सम पीपल अ लॉट इन द पास्ट? अच्छा, मैं बताता हूँ, जो सिविल सर्वेंट है ना उसकी पूरी लाइफ एक किताब के तहत देखी जाती है। उस किताब का नाम है एस्टा कोड। एस्टा से मतलब एस्टेब्लिशमेंट और कोड मतलब इट्स अ कोड कलेक्शन ऑफ वेरियस लॉज। एस्टा कोड के अंदर रूल्स हैं 1964 के। इन रूल्स का नाम है कॉन्डक्ट ऑफ सिविल सर्वेंट रूल्स। ये अयूब खान साहब के ज़माने में बने, इंडिया में भी बने और फिर इधर पाकिस्तान में भी बने कॉन्डक्ट ऑफ सिविल। हमारी जो पूरा कॉन्डक्ट है ना, अदर देन दी ऑफिशियल कॉन्डक्ट, वो तो हम जो करेंगे उस पर तो पर्चा हो जाएगा हमारे पे, लेकिन ऑफिशियल कॉन्डक्ट जो है वो उन्हीं रूल्स के तहत, और उसमें लिखा हुआ है कि आपने क्या क्या नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सिविल सर्वेंट आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर सकता। कोई भी सिविल सर्वेंट पॉलिटिकल बात नहीं कर सकता। बेशक आपके वोट आप किसको भी देते हो, आप पॉलिटिकली किसी पार्टी को सपोर्ट ओपनली नहीं कर सकते, ना उनकी फेवर में लिख सकते हैं ना अगेंस्ट लिख सकते हैं। कोई भी सिविल सर्वेंट किसी गवर्नमेंट को एम्बैरस नहीं कर सकता, उनकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि जी घर घर जाके आप टीके लगाएं, तो आपने लगाना है, यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट। आप यू कैन नॉट, बिकॉज इफ यू पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इफ यू डिसएग्री विद द पॉलिसी यू रिजाइन। ये नहीं है कि आप बैठ के जो है वो माउथ पीस बन जाएं। तो इस पे गवर्नमेंट और ये रूल्स बड़े वो सीरियस हैं। इस तरह आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते गवर्नमेंट को बताए बगैर, आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते गवर्नमेंट को बताए बगैर या पूछे बगैर, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप उधार नहीं ले सकते, आप गेम्स ऑफ स्पेकुलेशन नहीं कर सकते। सिविल सर्वेंट जी जुआ खेल रहा था कि जी मैं कार्ड्स खेल रहा था, जी मैं लॉटरी जीत रहा था, लॉटरी हार गया, ये कुछ रूल्स हैं। अब इनमें किन कौन से सिविल सर्वेंट्स हैं जिन पे ये हुआ? एक तो वही है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रूल्स की वायलेशन की, उन्होंने गिफ्ट्स एक्सेप्ट किए या उन्होंने गलत TADA के ट्रैवलिंग अलाउंस के जो बिल्स हैं गलत जमा कराए, दे वर रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस। बाय द वे, कॉन्ट्रैक्ट रूल्स आर वेरी उसमें सीरियस हैं, दे आर नॉट यू नो ऐसे नहीं है कि बस सिंपल से रूल्स हैं। इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोगों ने गवर्नमेंट ऐसी ट्वीट्स की जो अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर थी, मतलब वो या गवर्नमेंट के खिलाफ थी या ऐसी थी जिससे पब्लिक को गलत किस्म की इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की या सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक की, उस पर उनके खिलाफ एक्शन हुआ है। लेकिन अ पर्सन, किसी भी बंदे पर तब तक ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं है जब तक वो CSS की एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर सकता, नहीं कर लेता। तो दीज रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल टू, फॉर एग्जाम्पल यू, इफ यू नॉट ज्वाइन द एकेडमी एज येट, तो दे आर नॉट एप्लीकेबल। लेकिन एज सून एज द फर्स्ट डे ऑफ योर जॉब व्हेन यू ज्वाइन द सिविल सर्विस एकेडमी, आप उस रूल्स के तहत आप फिर बाउंड हो जाते हैं, आप उसके बाहर नहीं जा सकते। तो दीज आर सम ऑफ द लिबर्टीज विच यू फोर गो
फॉर यू नो वर्किंग इन सिविल सर्विस, और हमारी तो फिर भी बहुत, आप आर्मी की देख लें, आप पुलिस की देख लें, उनकी इनसे भी ज़्यादा सख्त है. मतलब आर्मी ऑफिसर्स को उन्होंने मना कर दिया कि आप व्हाट्सएप भी यूज़ नहीं कर सकते. हाँ, उनका तो कुछ भी नहीं. माई डैड डज नॉट हैव एनी सोशल मीडिया. ही कांट. और वो अब वो अपनी यूनिफॉर्म में तस्वीरें नहीं लगा सकते सोशल मीडिया पर. अब ये तो ज़्यादा उनकी लिबर्टीज फोरगो. तो हमारी तो फिर भी बहुत कम है. और मैं समझता हूँ कि अगर आप सिविल सर्वेंट हैं और आप गवर्नमेंट की तनख्वाह भी ले रहे हैं, स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर ये वैसे भी मुनासिब नहीं है कि आप इन कॉन्डक्ट रूल्स के, मतलब वो बड़े जुडिशियस किस्म के रूल्स हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है. और ये मना नहीं है कि आप सोशल मीडिया इस्तेमाल ही ना करें, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस लगाई गई हैं कि यार ये चीज़ें आप ना करें क्योंकि उससे पब्लिक के अंदर मैसेज गलत जाएगा. तो अच्छी बात है, आप बात सुने ना, एक डिप्टी कमिश्नर है, वो सबको को कहता है कि यार फलां रोड हम ले रहे हैं, वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद लो. तो अब ये कितनी अजीब सी बात है कि मैं तो एक प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ फलां. तो ये एक तो अपनी पावर इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ कर रहे हैं आप, गलत ख़बरें भी फैला रहे हैं, और उससे आवाम में क्या अफेक्ट जाएगा. या आप कहते हैं यार पोलियो के कतरे नहीं पीने चाहिए, भाई अरबों रुपया लगाया जा रहा है, मतलब या आपको टीके ना लगाएं जी, वैक्सीन ना लगाएं कोविड की. तो एक सिविल सर्वेंट को तो ये जेब नहीं देता वो ऐसी बातें करें. सर बिसाइड्स लाइक यू नो इस तरह की बात करना या गवर्नमेंट के अगेंस्ट एंटी स्टेट या इस तरह की बात करना, व्हाट एल्स इज अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर? लाइक where do you draw, like for example because some of us have unofficial accounts. आपका एक official है, एक unofficial है, and like you know obviously you can't be a certain person all the time, can't be an officer all the time, you have other identity as well. हाँ, तो उसपे कोई, उसपे कोई मसला नहीं है. Because like लोग बहुत ज़्यादा bashing करते हैं इसपे. They just expect कि यार आपकी एक personality है, you're a civil servant. Anything else that you say, you can't be sarcastic, you can't be funny. I mean, you've been in the spotlight. हाँ, I've been through it. देखें ये फिर लोग ज़्यादती करते हैं ना, ये तो देखें अगर लॉ हमें अलाउ करता है कोई चीज़ तो फिर लोगों को उस पर हमें क्रिटिसाइज़ तो नहीं करना होता, करना चाहिए. लेकिन अब इसमें अब मैं बताऊँ कि इशू ये है ना कि एक वो चीज़ें हैं जो एक आइडियल स्टेट में होनी चाहिए. आइडियल स्टेट में वाकई अगर आप लॉ नहीं तोड़े तो आप यू शुड नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर एनी थिंग विच यू डू. लेकिन अब क्योंकि ये आइडियल स्टेट नहीं है और नॉर्मेटिव तरीके से देखें तो फिर पब्लिक की हमारे बारे में एक इमेज है. और फॉर एग्जांपल अगर मैं बाल लंबे कर लूँ, मुझे लॉ अलाउ करता है कि मैं बाल लंबे करूँ, टाई ना पहनूँ और ऊपर वाला बटन खोल के और स्लीव रोल्स करके मैं फिर सकूँ, मुझे लॉ अलाउ करता है. लेकिन अब ये पब्लिक परसेप्शन के ख़िलाफ़ होगा. और फिर अगर मैं ये कर रहा हूँ, इफ़ दिस इज़ द चॉइस दैट आई एम मेकिंग, तो फिर आई शुड बी रेडी फॉर ऑल द क्रिटिसिज्म. क्योंकि ये फिर आप जो नॉर्मेटिव वैल्यूज़ चल रही हैं माशरे में, जो परसेप्शन चल रही है, आप उसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं. तो फिर लोग आपको बुरा कहेंगे. या एक खातून है, खातून का सिगरेट पीना इलीगल नहीं है, लेकिन बंदे सिगरेट पी रहे हों तो उनको कोई मसला नहीं होगा. लेकिन अगर एक सिविल सर्वेंट खातून सिगरेट पिएगी, ऑल्दो इट इज़ लीगल, लेकिन क्योंकि इट इज़ चैलेंजिंग दी नॉर्म्स और वैल्यूज़ ऑफ द सोसाइटी, तो पीपल विल क्रिटिसाइज यू. तो एज अ वाइज पर्सन आई वुड एडवाइज टू यू नो अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. पब्लिक की सेंटिमेंट्स को एज अ सिविल सर्वेंट आप अंडरस्टैंड करें, और कभी कभी आप राइट को राइट नहीं भी आप कहते ताकि किसी की सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो. और लॉ भी ये कहता है कि कोई ऐसी बात कहना जो, एक लॉ है, एक पर्चा होता है इसके ऊपर, कि आप कोई ऐसी बात कह दें जो पब्लिक मोरालिटी के खिलाफ हो. एंड हु विल डिफाइन दैट पब्लिक मोरालिटी? फॉर यू मोरालिटी इज़ डिफरेंट, फॉर मी इट इज़ डिफरेंट, तो हु विल डिसाइड दैट? तो ये बाकी ये ग्रे एरियाज होते हैं. अब कॉन्डक्ट रूल्स में ये है कि अभी बड़ी बोरिंग बात ना हो जाए, लेकिन कॉन्डक्ट रूल्स में ये है कि अगर आपको नोटिस देती है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन कि यार ये आपने गलत बात कही है, तो उसके बाद आपका केस एक सीनियर सिविल सर्वेंट के पास जाता है. वो आपको नोटिस दे के आपकी हेयरिंग करता है, लॉ को देखता है, कोर्ट की रूलिंग्स देखता है, और वो देखता है कि यार ये वाकई सही है या नहीं. जब वो डिसाइड इंक्वायरी कर लेता है तो वो इंक्वायरी एक ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास, ऑथराइज्ड ऑफिसर के बाद एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाती है. वो ये देखते हैं कि यार वाकई इसने इंक्वायरी सही की भी है इस बंदे ने, या इसके साथ ज्यादती तो नहीं कर दी. और वो फिर रिकमेंडेशन दे के एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन भेजता है कि जी हमारी ये रिकमेंडेशन है, और वहाँ पर डिसिप्लिन विंग फिर एक दफ़ा री एग्जामिन करता है. तो अगर डिसिप्लिन विंग भी ये कह रहा है गलत किया है, तो और ऑथराइज्ड ऑफिसर भी ये कह रहा है गलत किया है, इंक्वायरी ऑफिसर भी कह रहा है कि इसने गलत किया है, तो यार फिर तो गलत किया होगा ना. फिर तो नहीं हो सकता कि गलत. तो दैट इज हाउ मोरालिटी इज डिटरमाइंड थ्रू लाइक वेरियस प्रोसेसेस एंड वेरियस ऑफिसर्स हु डिटरमाइन कि ये वाकई अगेंस्ट पब्लिक मोरालिटी था या नहीं था. एंड इवन देन ये देखें, ये भी कितना बड़ा राइट है, ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं है. प्राइवेट सेक्टर में आपका बॉस आपको कहता है शाम को चलो जी निकलो, फारिग हो जाओ. हुकूमत का जो मुलाजम है उसको आप नहीं निकाल सकते.
अगर आज मेरे खिलाफ कोई नोटिस नहीं तो मुझे निकालने निकालते में 2 साल लगेंगे, और फिर भी जब वो मुझे निकाल देंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुझे नौकरी से निकाल देगा, आई विल स्टिल हैव द राइट टू चैलेंज इट इन अ कोर्ट, फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल में मैं चैलेंज करूँगा। वहाँ पर रिटायर्ड ऑफिसर्स बैठे होते हैं, वो आपका केस सुनते हैं, और अगर वहाँ पर भी मैं हार जाऊँ फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं चैलेंज करूँगा। तो अगर नॉन स्टॉप 8 से 10 डिफरेंट फोरम्स ये डिटरमिन कर लेते हैं कि वट एवर यू हैव डन वॉज एन एक्ट विच इज़ अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर, इट वॉज अगेंस्ट वैल्यूज और इट वॉज अगेंस्ट पब्लिक मोरालिटी, तो आई थिंक फिर इसका मतलब है कि आपने इंटेंशनली ही किया है वो काम। ट्रू, एंड दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू, जैसे कि वो रिसेंटली फोटोज आई थी ऑफ टू पीपल, आपको तो समझ आ गई क्वेश्चन है, या सो दैट वाज व्हाट, मतलब जिस लॉ के अंडर जो अभी आपने मेंशन किया था, पर्चा किया ना उन पे, यही किया है कि उन्होंने इंसाइटमेंट किया है, पब्लिक सेंटीमेंट को हर्ट किया है, मोरालिटी के अगेंस्ट था, बट देन वही मैं कह रही हूं ना, कौन सी पब्लिक, बिकॉज देयर वाज अ ह्यूज डिवाइड वेयर सम पीपल वर लाइक उनका हक था, हमें बुरा नहीं लग रहा, अदर्स वर लाइक मारो इन्हें। तो अब क्योंकि ये हो गया, इंसिडेंट हुआ, लोगों ने कंप्लेन की थाने में जाके, दे वर कंप्लेंट्स, एक ऑर्गेनाइजेशन इस्लामाबाद में बकायदा कंप्लेन की, एंड दे प्रेस्ड वेरी हार्ड कि सर अगर ये करना ही था तो वाई अंडर द वर्ड फेथ, कायद आजम की तस्वीर पीछे आगे लिखा हुआ फेथ, एंड इट इज एन एक्ट विच इज यू नो विच टेंट अमाउंट टू मेकिंग अ मॉकरी ऑफ वट कायद आजम सेड। तो ये बात तो सही है कि their dressing wasn't the problem, it was the fact that they were there in relation to the word faith, faith aur kaise aur khade hote like to probably damne ko mein khade hote to koi aisa masla nahi hona tha, fir koi pursue bhi na karta is case, koi pursue bhi na karta, lekin pursue kiya to parcha to hona tha, law bhi kehta hai parcha ho gaya, us case mein bhi koi pursue karta ki damne ko mein khade hoke bhi, to fir bhi fir police pehle determine karti ki ye banta hai offense ki nahi banta, kitni public jo hai wo agar dekhen agar us pe parcha na karte तो उसका क्या रिजल्ट होता इस एक्ट पे, तो वो जितने वोलेटाइल लोग थे सॉरी वो सारे सड़कों पे आते, वो हुकूमत के खिलाफ भी बातें करते, वो पुलिस पे भी इल्ज़ाम लगाते, और कोई पता नहीं कि इस बच्चे या बच्ची के ऊपर पर्सनल अटैक कर देते, को वायलेंट अटैक कर देते, तो इट वाज गुड एंड वाइज टू टेक एक्शन, लेकिन फिर क्या हुआ, मैटर कोर्ट में गया, उनको सजा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, हाँ, नहीं हुआ। तो फिर क्या मसला है? तो बट सिस्टम है, देयर इज सिस्टम, जस्टिस मौजूद है, ज़ाहिर जाफर वाला केस होता है, सारे पकड़े जाते हैं, जेलों में है, डिस्पाइट बीइंग रिच फादर इज स्टिल इन जेल, और वो सजाए मौत का केस चल रहा है, एविडेंस कंप्लीट हो गया है, सजा होने वाली है। इस तरह हर जगह में एक सिस्टम ऐसे नहीं है, लोग समझते हैं कि यार ऐसे कुछ भी नहीं है, ऐसा ऐसे ही चल रहा है, जो शोर डाल देगा, नहीं ऐसा नहीं है यार, डाल रहे हैं ना, TLP वाले शोर डाल रहे हैं, नहीं कर रहे एक्शन, कितना शोर डाला एक किसी वो ब्लास्फेमी वाले केस में, वो कोर्ट ने कहा नहीं है, तो नहीं है तो बस नहीं है, तो सिस्टम इन प्लेस है जो फाइट करता है, जो जस्टिस के ऊपर खड़ा रहता है, और इसीलिए सोसाइटी सर्वाइव कर रही है, थ्राइव कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है। मुश्किलात हैं हमारी, हमारे और मसाइल हैं, हमारे नेशनैलिटीज़ के इश्यूज़ हैं, हमारे बॉर्डर इंडिया के साथ है, आज हमारा साथ डेनमार्क और स्वीडन को कर दें हमारे साथ, पाकिस्तान फ्रांस बन जाएगा। एक जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी ना, लाइक वन ऑफ द No offense to you, sir, at all. लेकिन I feel like एक थोड़ा सा जो पैस वाले होते हैं ना, they feel like they are हाँ वो थोड़े के जी हम थोड़े ज़्यादा वो हैं, ये था आपके seniors हैं, हम आपकी situation handle करेंगे, हम आपके आके advice देंगे, even though हम same age group के हैं, same उसमें हैं, and like one of the मैंने Twitter पे tweet कर दी थी, I was like not me stirring up drama in the group or इस तरह ना, मैंने कुछ refer नहीं किया, he sent it to me and he was like you know you shouldn't इस तरह एडवर्टाइज नहीं करने चाहिए अपने पर्सनल ग्रुप के मसले। मैंने कहा आई डिडंट रियली मेंशन द कॉन्टेक्स्ट हियर, तो ही वाज लाइक कि इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मैंने कहा कि इसमें कुछ इस तरह का मेंशन नहीं, प्लस इट्स माय पर्सनल अकाउंट, तो एंड देन ही वाज लाइक एक्चुअली आई वोंट बी कंफर्टेबल नेक्स्ट टाइम इंटरेक्टिंग इन द ग्रुप इफ आई थिंक कि कोई जाकर ट्वीट कर देगा। एंड आई वाज लाइक कि लिसन, इफ यू थिंक यू कैन स्टूप टू द लेवल ऑफ दैट मैन देन यू शुड प्रोबब्ली थिंक ट्वाइस बिफोर यू इंटरेक्ट इन दैट ग्रुप ना। जबरदस्त। एंड ही जस्ट गॉट सो ऑफेंडेड, I could see he got offended, but कुछ कह नहीं सकता था, and you know इस तरह, and then he was like, नहीं नहीं वो है, ये बिल्कुल कल्चर है, ये लोग आएंगे इस तरह करेंगे, कुछ अच्छे लोग होंगे चाहे वो कहीं से भी हों, कुछ बुरे लोग होंगे जो अपेरेंटली बड़े लगता है कि यार ये बड़े टॉप शॉप करके हैं और वो इंतहाई थर्ड क्लास बातें करेंगे, तो ये तो उनकी अपनी अपब्रिंगिंग शो करता है कि इनके घर में इनकी ट्रेनिंग कैसे हुई है, इसलिए उसको पर्सनल आपने ले लेना,
खुद ये नहीं सोचना कि यार ये इसने बात कर दिया तो पता नहीं मेरे में कोई बुराई है, नहीं। ये हर जगह पे 10-15% चवल लोग, मर्फीज लॉ है ना कि चवल लोग मौजूद हैं, तो आप सोच लें कि ये है, ये इन्होंने बकवास करनी करनी है। आप जो भी कर लें, दे विल कीप ऑन सेइंग यार मैंने, आई हैव पुट माय हार्ट एंड सोल इन दिस पोस्टिंग, मैंने, आई हैव वर्क्ड वेरी हार्ड, मैं, आई हैव सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग एल्स, आई हैव नेवर बीन टू एनी वेकेशंस, मेरे वालिद साहब बीमार थे, मैं नहीं जा सका, हर चीज़ पे मेरे, मेरे सगी भाई की शादी थी, सगी बहन की शादी थी, सिर्फ एक एक दिन मुझे छुट्टी मिले, और इसके बावजूद मेरे कॉलीग्स हैं जो मेरे खिलाफ इतनी घटिया बातें करते हैं, इतनी घटिया, और वो रिटर्न दरखास्तें दे रहे हैं। Wow. मतलब इतनी तकलीफ हो रही है उनको कि अभी मुझे ना कल रिसेंटली मिला उसका चार्ज, जो मेयर का चार्ज है ना वो भी मुझे दे दिया उन्होंने ना, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मुझे लगा दिया। तो देयर वर पीपल हु स्टार्टेड यू नो कंप्लेनिंग अगेंस्ट मी टू माय बॉसेस कि सर आपने इसको लगा दिया है, ये तो सिर्फ ट्विटर पे चलाएगा, ये बेड़ा गर्क कर देगा। तो मैंने कहा यार कितनी तकलीफ हो रही है किसी को कि वो, यानी कि मुझे तो कोई मसला नहीं होगा अगर कोई कर रहा है तरक्की, मैं चुप करके देखूंगा, मैं उसके बॉस को जाके देखना, पीपल आर लाइक दिस। तो बस उसको मैं अब ये बजाय इसके कि मैं टेंशन ले लूँ और मैं डिप्रेशन में चला जाऊँ, नहीं, बस आप कहें कि यार दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़ एंड दिस इज़ हाउ दे आर, और जस्ट बी नाइस एंड जस्ट डोंट मेक योर सेल्फ टेंस, अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। There are so many good people, so many good things. Okay, sir, I told people that we are going to be interviewing you and I asked them if they would like to ask you some questions. So, maine ek choti si list banayi of the questions people told me to ask you. तो क्वेश्चन ये तो नहीं है कि जी वहाँ कचरा पड़ा हुआ है वो क्यों नहीं उठाया, नहीं, वो मैंने सारे फिल्टर आउट कर दिए थे। एक बंदा प्राइस कंट्रोल्स की बात कर रहा था कि दे हैव नॉट वर्कड इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री, सो व्हाट मेक्स द डीसी थिंक दैट दे आर गोना वर्क नाउ? प्राइस कंट्रोल नहीं, प्राइस कंट्रोल जो है वो वाकई इट डज नॉट वर्क लाइक पीपल थिंक इट इज वर्किंग। प्राइस कंट्रोल पूरी दुनिया में चलती है सप्लाई एंड डिमांड पे। आप सप्लाई बढ़ा दें, टमाटर पाकिस्तान में उगना शुरू हो जाए बहुत ज़्यादा, हमें अफगानिस्तान, चाइना, ईरान या टर्की से ना मंगवाना पड़े, तो ऑटोमेटिकली इसकी प्राइसेस नीचे जाना शुरू हो जाएंगे ना। दिस इज़ हाउ इकॉनमी वर्क्स। एडम स्मिथ ने 300 साल पहले ये बता दिया था हमें कि यार ये डिमांड एंड सप्लाई जो है ना वो डिटरमिन करते हैं किसी भी आइटम की प्राइस। लेकिन पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में बहुत बड़ा मसला रहा है कि यहाँ पर लोग प्रॉफिटेयरिंग करते हैं, लाइक प्रॉफिटेयरिंग प्रॉपरली, यानी कि वो एक्सप्लॉयटेशन की हद तक, यहाँ होर्डिंग करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं। और कायद आज़म की जो बड़ी मशहूर स्पीच है 1947 की, 11th अगस्त की, पाकिस्तान बनने से कुछ दिन पहले उन्होंने एक स्पीच की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और वहाँ पर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के ये मसले होंगे। उनमें एक मसला पावर्टी भी था, उसमें एक मसला सेक्टेरियनिज्म भी था, और उसी में एक मसला ये भी था कि जॉबरी है, नेपोटिज्म कहा, और साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान में ब्लैक मार्केटिंग, यानी कि कायद आज़म 1947 में कहा कि ब्लैक मार्केटिंग होता है और ये होता है कि लोग चीनी होल्ड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, एवरीबडी नोज इट नाउ। उन चीज़ों को रोकने के लिए मैजिस्ट्रियल एक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं और वो काम भी करते हैं। जैसे यूरिया छुपा लेते थे लोग, फैक्ट्री से यूरिया उठाया, अपने पास बंद कर दिया। अब किसान को तो 10 दिन के अंदर अंदर यूरिया चाहिए, अगर उसने ज़मीन पर यूरिया 10 दिन बाद नहीं डाला तो 15वें दिन तो ज़मीन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ही इज़ सो डेस्परेट टू बाई यूरिया दैट ही इज़ इवन विलिंग टू बाई इट एट द डबल प्राइस, विच इवेंचुअली इंक्रीजेज हिज कॉस्ट ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज़। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए आपको करना पड़ता है। अगर मंडी के अंदर आलू 120 रुपये किलो है और कोई बंदा उसको 300 रुपये किलो बेच रहा है शदरा में, क्योंकि वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता, तो यार ज़्यादती तो है ना कि आप इतना प्रॉफिट मार्जिन रख रहे हैं, इतना प्रॉफिट मार्जिन तो आप रखें जितना आप उसमें करें, लेकिन इतना ना करें कि आप एक्सप्लॉयट करें। वी आर अ पुअर नेशन, पीपल कांट अफोर्ड इट, और गवर्नमेंट के लिए एम्बेरसमेंट स्टार्ट हो जाती है, लोगों को आटा, चीनी, प्याज, पत्ती, दूध नहीं मिलेगा, तो ये दिल फाइट दिल कम ऑन रोड्स। अब क्या सिर्फ यही है प्राइस कंट्रोल का तरीका कि हमारा एसी सुबह उठता है जाके छापे मारता है? नहीं, प्राइस कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीकों में से एक स्मॉलेस्ट पार्ट इज़ जो मैजिस्ट्रियल कंट्रोल होता है। असल काम ये होता है कि हम इंश्योर करते हैं कि पूरे पाकिस्तान से जो सप्लाइज हैं हमारी मंडी तक पहुँच जाएँ। यानी कि ये मेरा काम है कि थर से अगर मिर्चें आ रही हैं तो वो अगर उसको रास्ते में कोई रोक रहा है और वो हमारी मंडी में आ रही हैं तो वी मेक श्योर कि यार ये ट्रक हमारे तक सही पहुंच जाए, फिर यहाँ पर आके उसकी ऑक्शन हो जाए। फिर हमने कहा कि यार मंडी के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और मंडी की मोनोपोली बन गई है, तो हमने मज़ीद मंडियाँ बनाना शुरू कर दी। तो प्राइस कंट्रोल के लिए हमने इस्लामाबाद में पहली दफ़ा तरलई में एक नई मंडी बनाई, अब हम सिहाला में एक नई मंडी बनाने जा रहे हैं। फिर हमने कहा कि यार राणा मार्केट की जो दुकान है जो 6 लाख रुपया महीने का रेंट दे रही है, वो तो हमारी सस्ती चीज़ें नहीं बेच सकते। अगर उसको हम कहें कि केला आप 120 रुपये में बेचें, वो कैसे बेचेगा? तो हमने इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे सस्ता बाजार्स बनाने शुरू कर दिए जहाँ
ना उनसे दुकान का रेंट लिया जाता है, ना बिजली का बिल, ना कुछ, तो उनको सब्सिडाइज लैंड मिलता है और वो अपनी चीज़ें बेचते हैं तो वो भी सस्ती बिक जाती हैं. तो दिस इज़ अनदर इंटरवेंशन दैट वी हैव मेड एंड इट इज़ वर्किंग. मतलब लाखों हज़ारों की तादाद में लोग लाखों रुपए की चीज़ें डेली खरीद रहे हैं हमारे सस्ते बाज़ारों से, सस्ती मिल रही है ना. तो इफ़ एनीबडी सेइंग कि यार ये तो आपका सिस्टम 300 साल से काम नहीं कर रहा, तो मैं कहूँगा यार पहले पानी पिएं, फिर उसमें थोड़ी सी डिस्प्रीन डाल लें और उसके बाद थोड़ा ठंडा भी पी लें, क्योंकि आपको तो फैक्ट्स पता नहीं है. एम एन आना हवाई तुल्ले मारें. फिर तीसरी चीज़ हमने ये की कि हमने कहा कि यार लोगों को प्राइस का पता होना चाहिए कि प्राइस है क्या. हमने एक ऐप बनाई दुरुस्त दाम के नाम से जिसमें डेली प्राइस लिस्ट अपलोड हो रही हैं. अब कोई बंदा गौरी टाउन में बैठा हुआ है, उसको पता है कि आज प्राइस आइटम्स की प्राइसेस ये हैं, तो जब दुकानदार के पास जाता है वो खुद डिमांड करता है, प्रेशर होता है कि यार तुम महंगी बेच रहे हो, नहीं हो तो मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा. तो एक इक्विलिब्रियम वहाँ पर भी बनता है, उसकी वजह से भी प्राइसेस में एग्जॉर्बिटेंट इंक्रीज नहीं होता. फिर हमने एक और काम किया कि दुरुस्त दाम ऐप जो है हमारी, उसके अंदर हमने लोगों को फैसिलिटी ये दी है कि अगर उनको सरकारी रेट पे चीज़ें नहीं मिल रही तो हमारी ऐप पर क्लिक करें और हमें ऑर्डर करें, हम उनके घर में फ्री डिलीवरी करेंगे और उनको सरकारी रेट पे चीज़ें पहुंचाएंगे. व्हाट मोर डू यू वांट. मतलब इट इज़ एन अमेजिंग सर्विस. 100 फैमिलीज डेली हमारी उस ऐप से चीज़ें खरीदती हैं और एक महीने के अंदर 8 से 9 करोड़ रुपये का हम आवाम का पैसा बचा रहे हैं, वो वरना वो अदरवाइज किसी प्रॉफिटियर की जेब में जा रहा होता. तो थिंग्स आर वर्किंग. बाहर से बैठ के आपको ये लगता है यार ये क्या बाबू है सूट पहन के जाके जुर्माना कर देता है, ऐसा नहीं होता यार. इसके पीछे पूरा प्रोसेस है, थिंकिंग है, लॉ है. अगर ये ना काम कर रहा होता तो यार पार्लियामेंट बैठी हुई है, स्टैंडिंग कमेटीज बैठी हुई हैं, जुडिशरी बैठी हुई है, प्रेस बैठा हुआ है, कोई ना कोई तो उसको स्टॉप करा ही देता है. हमारे इस्लामाबाद की बाउंड्री के ऊपर ना एक जगह है बड़ा मशहूर किसी पॉलिटिकल फैमिली की, उसने 25-30 बंदे तरीके लबैक के बिठाए हुए हैं. तो हमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वहाँ पर रेड करने हमारी टीम जा रही थी. जब वहाँ पहुँचने लगे तो उन्होंने कहा सर ये पिंडी का एरिया. तो अब जब पिंडी का एरिया आ गया तो फिर हम नहीं. अच्छा, और दूसरा हमारी मसला ये होता है कि अगर मजाक की बात भी है और असल बात भी है कि अगर दरिया में कोई बंदा डूब जाए ना तो पुलिस खड़ी देखती है कि यार हमारी हद से निकल जाए. तो हम कहो जी ये साहब वो तो उधर उधर मरा है. अच्छा, जब मैं रोड़ी में पोस्टेड था ना, तो रोड़ी एक तरफ है दरिया के, और दरिया मेरा ऑफिस वो एक आइलैंड पे था, और दरिया के दूसरी तरफ जो है ना सखर, और इन दोनों को जोड़ता है वो सखर ब्रिज. बड़ा मशहूर है, आपने देखा होगा, लंबा सा ब्रिज है और सखर का वो बराज भी है वहाँ पे उसके ऊपर. तो अगर उसके ऊपर कहीं एक्सीडेंट हो जाए ना, तो एक्चुअली ये हुआ कि पुलिस वाले ने जो डेड बॉडी थी उठा के खींच के थोड़ी सी इधर की ताकि ये उसकी हदूद में एक्सीडेंट हो. तो ज्यूरिसडिक्शन इज सो इम्पोर्टेंट. अब अगर वो पिंडी की हदूद है, मेरा एसी जाके करेगा, तो अगले बंदे रिट करेंगे कि सर ये अपनी हदूद से बाहर आके इसने किया है, तो वो हमारे पास कानूनी कोई जवाब नहीं है. तो स्टेइंग विद इन योर ज्यूरिसडिक्शन इज, तो इसलिए वो थरथली मची हुई है कि डायरेक्शन हमें आई थी कि छापा मारो. बल्कि जब मैं आ रहा था, पता नहीं आप सुन रही थी, तो मैंने कहा कि यार छापा मारो. तो अभी एसी ने कहा कि सर वो तो पिंडी की हदूद है. तो मैंने कहा कि यार अब ज्वाइंट कर लो, पिंडी को भी बुला लो, लेकिन करो, तो बंदे तो उठाए ना. सो समबडी सेड दैट देयर इज अ मिथ प्रिवेलिंग दैट ब्यूरोक्रेसी इज ऑल करप्ट. So curious to know that no one hand bureaucracy is the one. क्या लिखा है इसने? The one responsible for छोड़े. मैं वैसे आपको बताता हूँ, इसका सवाल पूछे मैं बताता हूँ, ये जरूरी है. आप कहने क्या है bureaucracy तुम सारी corrupt है? पूछें. सर bureaucracy सारी corrupt है? क्या हमारी society सारी corrupt है? और क्या हमारी bureaucracy हमारी society में से आई है या ये कोई Japanese है? क्या हमारी अगर bureaucracy पाकिस्तान से है तो ये वैसा ही बिहेवियर एग्जिबिट करेगी जैसे पाकिस्तानी सोसाइटी है, क्योंकि हम जापान से तो आए नहीं हैं. अगर पाकिस्तानी सोसाइटी करप्ट है तो वही चीज़ हमें पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में भी नज़र आती है, पॉलिटिशियंस में भी नज़र आती है, पुलिस में भी नज़र आती है. और क्या हमारे डॉक्टर्स जो हैं, अगर आप जाएँ तो वो आपको हॉस्पिटल्स लगता नहीं है कभी कभी कि यार ये तो हॉस्पिटल है कि बुचरी है? अगर आप किसी गाड़ी ठीक कराने वाले बंदे के पास चले जाएँ तो आपका 500 रुपये का काम होता है, वो कहते हैं जी वो हो थोड़ा तो इंजन ही सड़ गया, 5,000 का काम होएगा. आपका मेरा जब भी ये माउस कहीं अक्सर ख़राब हो जाता है, मेरा बेटा उसके साथ खेलता है तो मेरा माउस ख़राब हो जाता है, जब भी मैं गया उन्होंने कहा नहीं सर ये ज़ाया हो गया, नया माउस लें. और मैं कहता हूँ यार पाकिस्तान के किसी भी बंदे के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि मेरा माउस ठीक कर दे. तो अब अगर सोसाइटी ही का जो बिहेवियर है ब्यूरोक्रेसी उसी को एग्जिबिट करती है, क्योंकि सोसाइटी में करप्शन है हर लेवल पर, चाहे वो खाला और चाचे के फैमिलीज में हो, चाहे वो हसद हो रहा हो, चाहे वो हमारे टीचर्स अपनी जॉब परफॉर्म ना कर रहे हों, चाहे हमारे इंजीनियर जो हैं वो गलत सड़कें बना रहे हों, वो सेम बिहेवियर ही हमें नज़र आता है. इसलिए ये सिंगल आउट करना कि ब्यूरोक्रेसी बड़ी करप्ट है, ये इंतहाई नाइव बात होगी. कहना ये चाहिए कि माशरे में करप्शन है और उसको रोकने में सबको किरदार अदा करना चाहिए. ब्यूरोक्रेसी क्योंकि पब्लिक मनी स्पेंड करती है इसलिए वो नज़र ज़्यादा आते हैं,
और उससे लोग अफेक्ट ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसीलिए उसको रोकने के लिए बहुत सारे इदारे बने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का जो परसेंटेज है CSS में, इट इज़ लेस देन 1%। पाकिस्तान की जो तमाम सिर्फ फेडरल ब्यूरोक्रेसी है, सूबों की ब्यूरोक्रेसी छोड़ें, सिर्फ फेडरल ब्यूरोक्रेसी भी 4.5 लाख बंदे की है, और उस 4.5 लाख में से तमाम ग्रेड्स में 17 से लेकर 22 तक तमाम अगर आप ऑफिसर्स निकाल दें तो दे आर लेस देन 20,000 या 30,000 होंगे मैक्सिमम सबको अगर आप मिला लें। तो 4 लाख में से आप परसेंटेज निकाल दें, इट इज़ लेस देन 1%। तो आप उस तमाम करप्शन का ज़िम्मेदार, वो जो तमाम कार्डर्स में और तमाम जगह पे है, वो तमाम फलां फलां जगह, उसका इल्ज़ाम आप सिर्फ CSS जो 1% भी नहीं है उन पर कैसे डाल सकते हैं? तो ये बड़ी एक गलत है। तो ये एक तरह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये गलत बात है, इतनी करप्शन नहीं है। और हमें इस बात का बार बार कह के फर्दर डीमोटिवेट करना लोगों को कि वो ब्यूरोक्रेसी, मुझसे कई बच्चे सवाल पूछते हैं सर मैं CSS नहीं करना चाहता क्योंकि उसमें आके करप्शन करनी पड़ती है। तो मैं कह यार ये कौन सी बात है कि कोई छुरी कांटा लेके तो बंदूक थोड़ी है। जो करने वाले हैं क्या वो ब्यूरोक्रेसी के बाहर करप्शन नहीं कर रहे? और ब्यूरोक्रेसी जिनके साथ मिलकर करप्शन कर रही है क्या वो पाकिस्तानी सोसाइटी के नॉन ब्यूरोक्रेट्स नहीं है? अल राशि अल मुर्तशी दोनों ही है ना, दोनों तरफ को आप देखें कि देने वाला भी तो है जो रिश्वत दे रहा है, तो वो तो ब्यूरोक्रेसी का नहीं है ना। तो ये गलत है, ये बड़ी जाती है। हाँ, वो एक कहावत है ना कि जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, वैसे ही होंगे तो वही है। अच्छा, हाउ डज ही अफोर्ड सो मेनी फोटोग्राफर्स? व्हाई डिड ही चूज टू बिल्ड अ पर्सनल इमेज इंस्टेड ऑफ स्ट्रेंथनिंग द ऑफिशियल हैंडल ऑफ DC इस्लामाबाद? यार मेरे आई थिंक आपके उस पे ज्यादा 300,000 है, इस पे 200,000 है। तो ये तो झूठा इल्जाम है पहली बात। दूसरा बात ये है कि यार मैंने आपको बताया कि हमारी सोसाइटी एंड कल्चर में पर्सनैलिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू वॉन्ट टू कन्वे अ मैसेज यू नीड अ पर्सनैलिटी। अगर मैं सिर्फ ये दिखाऊँ कि एक सड़क लगी हो और कहूँ कि ये सड़क बन गई है तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो बात ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं सकेगी। तो एक ऑफिस या ऑफिसर को सामने लाना ज़रूरी होता है, वरना हमारी कई ऐसी ट्वीट्स होती हैं जिसमें बिल्कुल ज़ीरो एंगेजमेंट हो जाती है, सोशल मीडिया पर बताते हैं एंगेजमेंट नहीं होती। ऑन दी अदर हैंड जब ऑफिसर खुद कोई काम कर रहा हो तो लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। बट I still believe that it is very wrong if a person is using his official, powers to propagate his own image. It is very wrong. ये नहीं होना चाहिए। और मैं by and large कोशिश करता हूँ कि ये ना हो। गलतियाँ हुई हैं मेरे से शुरू में, उसके बाद से मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इसमें से निकाला है कि मेरे से ये गलत कोई ऐसी बात ना हो जिससे पब्लिक को बुरा लगे। और अभी कोशिश यही करते हैं कि यार अब लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ज़्यादातर 90% ऑफ जो मेरी सोशल मीडिया की इंटरेक्टिव पोस्ट्स हैं उनमें मैं लोगों से ही उनकी प्रॉब्लम्स ही हल कर रहा होता हूँ। बैठ के ये तो नहीं कर रहा होता हूँ कि आज मैंने बालों पे फलां वैक्स लगाया है या आज मैंने नए जूते लिए हैं। मैंने तो कभी ये ट्वीट्स की ही नहीं है जो मैं अपने बारे में कर रहा हूँ। मैंने तो ये भी नहीं किसी को बताया कि मेरी शादी, मेरे बच्चे कितने हैं या मेरे वालिद साहब क्या कर रहे हैं या मेरे भाई क्या हैं। कोई हज़ार में से एक ट्वीट ऐसी होगी या मैं, ये इल्ज़ाम है मेरे पे। What is the key for a successful career in civil service and how to retain that? सिविल सर्विस हो या कोई भी आप काम कर रहे हो, जब तक आप उसमें फुली फोकस्ड होके पैशनेट नहीं है अपने काम के बारे में, आप यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। और पैशनेट होने का मतलब होता है कि 24 आवर्स आपके जहन में एक ही चीज़ सवार हो कि मैंने ये काम करना है। जैसे अब आप इस चैनल को इस पे काम करिए, अगर आप 100% इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी तो आपको इसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। सेम थिंग हैपन्स इन सिविल सर्विसेज। अगर आपका नैक फॉर पब्लिक सर्विस नहीं है, अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा लोगों की खिदमत करके या इंटरेक्ट करके, जेन्युइनली यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, तो फिर आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे और फिर आप तरक्की भी नहीं कर सकेंगे और फिर आप नेगेटिव होते जाएंगे और फिर आप लोगों से भी नफरत करना शुरू कर देंगे, अपने आप से भी नफरत करना शुरू कर देंगे और टोटल पर्सनैलिटी आपकी यही हो जाएगी। और आप हर कहेंगे यार फलां भी चोर है, सिर्फ मैं चोर नहीं हूं, बाकी सारे चोर ने। तो वो ये चीज़ जो है ना, वो ये बहुत ज़्यादा सिविल सर्वेंट्स में ये बहुत बढ़ती जा रही है कि वो नेगेटिव होते जाते हैं। और कौन लोग हैं जो पॉजिटिव होके इन्जॉय कर रहे हैं? वो वही लोग हैं जो इसको, मतलब जो पब्लिक सर्विस का जिनको मज़ा आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मुझे मज़ा आया कि यार एक रोड बनी, एक गांव था उस तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचती थी, रोड बनाई बड़ी मेहनत करके, अब उसमें एम्बुलेंस गई तो आई फेल्ट हैप्पी कि अल्लाह ताला ने मेरे से ये काम करवा लिया कि यार अब इस गाँव में कोई बीमार होगा तो उसको। अगर आपको इस चीज़ का मज़ा ही नहीं आ रहा तो आपको ये लगेगा यार ये मैं क्या चवल काम कर रहा हूँ, अब मेरा काम रह गया पोलियो के कचरे पिलाना, मेरा काम रह गया लोगों को मास्क पहनाना। और अगर आप इसको ये सोचें कि यार मैं मास्क पहनाने से एक, मैं हो सकता है एक लाइफ सेव कर रहा हूँ या मैं एक वैक्सीन पिलाने से बच्चे को माजूर होने से सेव कर रहा हूँ, इट्स कितना नोबल काम है। तो अगर आप अपने काम की नोबिलिटी को ओन नहीं करें तो आप नाकाम हो जाएंगे।
वैसे सिविल सर्विस में तीन किस्म के लोग हैं, एक तो वो हैं जो ट्रांजैक्टर्स हैं, डेली बेसिस पे आते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, चले जाते हैं, एक वो हैं जो एक्सप्लॉयटर्स हैं, जो सिस्टम को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं टू देयर ओन बेनिफिट, वो करप्ट हैं, ऐसे भी लोग हैं, वो भी कामयाब है, वो भी बड़े ग्रेड्स तक जाते हैं, अच्छी पोस्टिंग से मिलती है, ऐसे भी लोग हैं। और एक तीसरी काइंड है जो लीडर्स हैं, जो ना ट्रांजैक्टर्स हैं ना एक्सप्लॉयटर्स हैं, लेकिन वो लीड भी कर रहे हैं, पैशनेट भी हैं, बेहतरी भी कर रहे हैं, और मैं बता रहा हूँ कि वो मेजॉरिटी हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रांजैक्टर्स या एक्सप्लॉयटर्स ज़्यादा हैं, लीडर्स बहुत हैं एंड दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क एवरीवेयर। यार यही पाकिस्तान है, यहीं की मोटरवे पुलिस है यार इतना ज़बरदस्त काम कर रही है, यही पाकिस्तान है इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर के इनिशिएटिव्स हैं बेहतरीन काम कर रहे हैं, यही पाकिस्तान है यार उसमें स्टेट बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं बेहतरीन काम कर रहे हैं, कभी उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं आया, एफिशिएंटली काम करते हैं। तो ये इसी पाकिस्तान की सिविल सर्विस के अंदर आइलैंड्स ऑफ सक्सेस मौजूद हैं और वो उन्हीं लोगों की वजह से हैं जो पैशनेट होकर ये काम कर रहे हैं। सो वन पर्सन हैड अ रिक्वेस्ट, प्लीज आस्क हिम टू अलाउ रिक्शास इन इस्लामाबाद। इट इज़ नॉट अलाउड अंडर द लॉ। मैं कैसे अलाउ करूँ, लॉ में ही अलाउड नहीं है जब इसके। बट वाई, लाइक असल में जो हाईवेज होती हैं उन पे रिक्शाज अलाउड नहीं होते। आप जैसे आप कल को कोई कहे किसी मोटरवे के ऊपर साइकिलें अलाउ कर दें, कश्तियाँ चला दें, आप कैसे इंसान हैं कि आप कश्तियाँ नहीं चला रहे मोटरवे पे? तो मैं कहूँगा यार मोटरवे के ऊपर सिर्फ हाई स्पीड गाड़ियाँ चलती हैं, पूरी दुनिया की मोटरवेज और हाईवेज के अंदर जो हैं वो ये नहीं चलती। इस्लामाबाद का जब मास्टर प्लान बना तो इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में एवेन्यूज़ बनाई गई, और जिसको आपने देखा होगा 6th Avenue, 7th Avenue, फैसल एवेन्यू, आगाशाही एवेन्यू, ये एवेन्यूज़ हैं। एवेन्यूज़ आर फॉर हाई स्पीड ट्रैवलिंग, दे नॉट कि जी इधर से रिक्शा जा रहा है उधर रुक रहा है या बसें जा रही हैं, ये वो बस के लिए फिर अलहदा रूट बनाए जो उसको बनाया। इस तरह जो इन साइड भी हमारी वो हैं रोड्स हैं, मारगला रोड है, फिर ब्लू एरिया की हमारी जो रोड है जिना एवेन्यू जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद IJP रोड है, ये सारी बेसिकली हाई स्पीड ट्रैफिक के लिए। इसलिए इनिशियली उन्होंने कहा था कि हम कार्ट्स और ये चीज़ें अलाउ नहीं करेंगे, और पूरी दुनिया के अंदर अर्बन सेंटर्स में अलाउड नहीं होता, चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है ना, वहाँ पर भी अलाउड नहीं है। तो अब हम फिर क्या करें, मतलब ये तो अब अगर आपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ चलानी है तो उसमें फिर ये फैसले आपके होते हैं, इसका कतई तौर पे मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ख़िलाफ़ आपका बायस है। और रिक्शाज़ के बारे में तो यार अब रिसर्च प्रूव कर चुकी है कि दे आर नॉट गुड फॉर, दे आर नॉट अ गुड राइड इन एनी केस, दे आर नॉट अ गुड राइड। सो फाइनली सर, लास्ट क्वेश्चन, इफ द एंटायर इस्लामाबाद वाज लिसनिंग, व्हिच आई होप इट इज, व्हाट मैसेज वुड यू गिव? इस्लामाबाद के लोगों के लिए जो है ना, मेरे दो तीन मैसेज हैं वो मैं हमेशा ही देता हूँ। एक तो ये है कि इस्लामाबाद के अंदर जो पानी का मसला है, पानी लोग बहुत बुरे तरीके से यूज़ करते हैं, हमारे पानी की रिसोर्सेज जो है ना वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, तो इसलिए पानी का इस्तेमाल, जो घरों के अंदर आपके टैप्स में पानी आ रहा है उससे गाड़ियाँ मत धोएं, खुदा का वास्ता है, ये वैसे भी क्राइम है, म्यूनसिपल बायलॉज के भी ख़िलाफ़ है, इस पर हम जुर्माने भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ही आपके अंदर ये सिविक सेंस होनी चाहिए कि यार ये पीने का पानी है, हम वो लेके पूरी गाड़ी मत धोएं, गाड़ी धोनी है तो एक बाल्टी में डालें, उससे कपड़ा निकालें, उसी कम पानी से आप अपनी गाड़ी को धो लिया करें। तो पानी बचाने का पहला मेरा मैसेज है। नंबर टू मेरा मैसेज ये है कि प्लास्टिक बैग्स जो हैं इस्लामाबाद में बैंड हो चुके हुए हैं। इस्लामाबाद के अंदर 10,000 से 15,000 के करीब दुकानें हैं, अगर आपका ख्याल है कि DC और उसके 7 ACs ओमनी प्रेजेंट हो जाएंगे और हर जगह जहाँ पर प्लास्टिक बैग होगा एकदम हम फुड़क करके निकलेंगे, तो हम नहीं कर सकते ये, हम इसमें प्लास्टिक बैग्स की बैनिंग कैंपेन तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक आप इसको लेना बंद नहीं करें, जब तक आप नहीं कहेंगे दुकानदार को कि नहीं यार आई विल नॉट, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए या आपकी नस्लों के लिए ये काम हो रहा है। और तीसरा ये है कि इस्लामाबाद के अंदर जो हमारी ग्रीन कैंपेन है उसमें आपकी सपोर्ट चाहिए। हम इस्लामाबाद में सरकारी लेवल पे लोगों को मिला के 10 लाख दरख्त सालाना लगाते हैं, इस 10 लाख को हम 20 लाख करना चाहते हैं, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा अगर हर घर के अंदर एक बंदा कम अज़ कम 2 दरख्त ज़रूर लगाए। तो अगर आप इस कैंपेन में हमारा साथ दें, तो बेसिकली मेरे 3 ये मैसेज हैं फॉर द पीपल ऑफ इस्लामाबाद, अगर आप ये काम करें तो इस्लामाबाद बेहतर और सस्टेनेबल सिटीज़ में रैंकिंग में और ऊपर जा सकती है। सर थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम एंड हैविंग सच एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन विद अस। हमें पता है, आई होप सो, मुझे लग रहा है कि बहुत बोरिंग है, बहुत लोग कहेंगे यार ये क्या लेक्चर दे रहे हैं, मैंने बैठे हुए इतना एंजॉय किया, सो आई एम प्रीटी श्योर एवरीवन इज गोना रियली रियली एंजॉय। आई होप सो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।